तो आज मैं मदर्स डे स्पेशल कुछ गिफ्ट आइडिया शेयर करने वाली हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्रिएटिविटी। होप यू ऑल आर वेल। तो मेरा फर्स्ट DIY के लिए मैंने ले लिया है ये होम डिलीवरी के जो बॉक्स आता है उसका ढक्कन। ढक्कन के बीच वाले पोर्शन मैं काट दूंगी और ये जो पेपर बैग आता है इसके हैंडल भी मैं निकाल लूंगी। अब इस हैंडल से एक चोटी बना लूंगी। चोटी बना के इस सर्कल के ऊपर ग्लू गन से मैं इसको चिपका दिया। अब मैंने ले लिया है एयर ड्राई क्ले और इस क्ले से मैं कुछ फ्लावर लीफ ये बना के इसके ऊपर चिपका दूंगी। अब इसको स्टैंड करने के लिए मैंने ले लिया है 4 छोटे छोटे कार्डबोर्ड के पीसेस और इसको ग्लू से मैं पहले चिपका दूंगी क्योंकि हमें थोड़ा सा थिक चाहिए था और साइड को भी मैं मास्किंग टेप से कवर कर दूंगी और बीच वाले पोर्शन में थोड़ा सा काट दूंगी। अब मैंने ले लिया है वॉल पुट्टी डो और इसको ही मैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर लगा दूंगी। इससे क्या होगा, ये थोड़ा स्मूथ भी हो जाएगा और थोड़ा सा हेवी भी होगा। कार्डबोर्ड के बीच में जो कट करके रखी थी अब इस सर्कल को मैं उसके बीच में ही स्टिक कर दूंगी। अब ये कम्प्लीटली सूखने के बाद मैं इसको कलर कर दूंगी। तो बीच वाले पोर्शन तो खाली है तो इधर तो कुछ रखना पड़ेगा ना, तो इधर रखने के लिए मैं बना रही हूँ बेयर, मम्मा और बेबी बेयर। अब बेयर को मैं बीच में स्टिक कर दूंगी। लो, बन गया मेरा फर्स्ट गिफ्ट। मेरे सेकेंड DIY के लिए मैंने ले लिया है ये आइसक्रीम के बॉक्स। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं घर गई थी तो मम्मी ने मेरे बच्चों को ये खरीद के दिए थे, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब मम्मी ने कहा कि तू पहले भी ऐसे एक DIY बनाई थी, तो उस टाइप के मुझे भी एक बना के दे। पहले वाला वो DIY बॉक्स भी बहुत ही बढ़िया बना था, वो भी आप चेक कर सकते हो। पहले मैंने इसमें वाइट एक्रेलिक कलर से कलर कर दिया। फिर मैंने ले लिया ये डेकोपज पेपर। मैं पहले सोची थी कि मैं इसके ऊपर लिपन आर्ट करूँगी, फिर मैंने सोचा कुछ डिफरेंट बनाऊँ, तो उस पेपर से मैं ये डिज़ाइन कट कर लूँगी और मॉड पॉज ग्लू से मैं इसको स्टिक कर दूँगी। मैंने पहले स्टिक करने जा रही थी, फिर मैंने सोचा पहले कलर कर दूँ, तो इसमें येलो कलर था तो इसलिए मैं येलो कलर कर दिया। स्टिक
स्टिक करने के बाद मैं इसके ऊपर मिरर लगा दूंगी और मोल्डेड क्ले से कुछ डिज़ाइन बना दूंगी। नीचे वाले पोर्शन में भी कुछ डिज़ाइन बना के मैंने कलर कर दिया और मिरर लगाने से पहले मैंने वार्निश स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। अब 3D आउटलाइनर से थोड़ा डिज़ाइन बना दिया, वरना बहुत ही खाली खाली सा लग रहा था। और ये बीच वाले पोर्शन में मैं क्ले यूज़ नहीं किया, यूज़ करती तो ऊपर वाले ढक्कन खोलने में दिक्कत होता। तो हमारे सेकंड DIY भी कंप्लीट है, ये देखिए इसके मेरा थर्ड DIY के लिए मैंने ले लिया है ये पुराना फ़ोटो फ्रेम, ये भी मैं घर से ही उठा के लाई थी। तो चलिए आज इसको ही सुंदर बनाते हैं। पहले मैंने इसको वाइट एक्रेलिक कलर से कलर कर दिया। अब इसको मैं साइड में सूखने के लिए रख दूँगी। ये मैंने एक प्रिंट आउट ले लिया है, ये मम्मा बेबी के एक लाइन वाला फ़ोटो है। ये मैंने ले लिया है एक प्लास्टिक शीट, इसको क्या कहते हैं एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ये मैं स्टेशनरी शॉप से ही खरीदी थी। अब इसके ऊपर ही हमें डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोटो फ्रेम के ऊपर जो मिरर था वो टूट गया था। अब इसको ही मैंने पहले मास्किंग टेप से डिज़ाइन के ऊपर स्टिक कर दूँगी और एक वाइट मार्कर से डिज़ाइन को कॉपी कर लूँगी। डिज़ाइन पूरा ड्रॉ करने के बाद अब चलिए फोटो फ्रेम को थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। मैंने फोटो के नाप से थोड़ा सा जूट रोप कट कर लूँगी। डिज़ाइन को पहले फोटो फ्रेम में लगा दूँगी, उसके बाद जूट रोप लगा दूँगी, फिर जो बैक कवर है वो भी लगा के बस ये फोटो फ्रेम थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए ये पेपर फ्लावर था मेरे पास, इसको ही मैं ऊपर नीचे थोड़ा लगा दूँगी। अब ये रहा इसके फाइनल लुक। आप लोग भी बनाना अपने मम्मी के लिए गिफ्ट।
और आज के 3 DIY में आपको कौन सा अच्छा लगा है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।